आपको सीधे लिए चलते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है, नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इंफेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, और इंफेक्शियस डिजीज से डील करते समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इससे संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत हमने स्टेट को सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ आइसोलेशन फैसिलिटीज, क्वारंटाइन, साइकोसोशियल केयर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे जितने भी संबंधित एरिया से ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि अब हम लॉकडाउन की स्थिति में है तो फील्ड लेवल पर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए इन सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में ब्यौरा दिया है। साथ ही आईसीयू केयर और वेंटिलेटर मैनेजमेंट के ऊपर एम्स द्वारा कंटिन्यू ट्रेनिंग्स की जा रही हैं। कोविड 19 से संबंधित जो 11 एम्पावर्ड कमेटी उच्च स्थाई पर बनाई गई थी, वे सभी रिक्वायर्ड अपना एक्शन ले रही हैं और मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज को अपनी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसके साथ ही जैसे कि कल आप सबको बताया गया था, भारत सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रैक और ट्रेस से संबंधित एक नई एप्लीकेशन आरोग्य सेतु भी कल लॉन्च की थी। इस एक्ट के द्वारा आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर कभी भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते तो इस ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। मैं सबको सूचित करना चाहूंगा कि अब तक 30 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। यह ऐप हमारी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स के लिए एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि सबकी सेफ्टी से एक की सेफ्टी होगी और एक की सेफ्टी से सबको सेफ्टी प्रदान होगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटरी मेजर्स को मेंटेन करने के अपने प्रयासों के तहत जो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है ईनैम, दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत 16 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में जो 585 मंडियां हैं उनके अलावा और अतिरिक्त 415 मंडियों को भी जोड़े जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत जो किसान मंडियों में जाने की बजाय वह फिजिकली बिना प्रेजेंट हुए अपनी हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, अपनी फसल को बेच सकते हैं, मोबाइल बेस्ड टाइमली पेमेंट से डी कंजेशन को कम करने में और हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन में भी इससे फैसिलिटेशन होगा। साथ ही डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल, पैरामेडिकल और हमारे स्टाफ को सपोर्ट देने के तहत उन्होंने एक बायोसूट विद सीमलेस ग्लू डेवलप किया है, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। मैं आपको इसके द्वारा यह अवगत कराना चाहता हूं कि नॉट ओनली DRDO, जितने भी हमारे देश के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च में जुड़े हैं, जिसके द्वारा कि हम कोविड 19 के मैनेजमेंट के अपने प्रयासों में हर तरीके से सफल हो सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों के कार्य में बाधा ना उत्पन्न होने दें। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा कर्मी किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और अवांछित व्यवहार पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना के योद्धा अपनी निरंतर और निष्ठापूर्वक सेवा के द्वारा कोरोना को नियंत्रण करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी अवगत किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके किए हुए प्रयत्नों की तारीफ की थी, उनको प्रोत्साहन किया था। उन्होंने कहा है कि इन कोरोना योद्धाओं के परिश्रमों के कारण ही आज देश में 157 हमारे जो कोरोना रोगी हैं वो स्वस्थ हुए हैं। इनके कठिन परिस्थिति में काम करने के समय में, गंभीर चुनौतियों के समय काम करने के समय में हमें इनको हर तरह का प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इस चीज के लिए भी उन्होंने अपील की है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी और उसके बाद जो ब्रीफिंग थी वो यहां पर बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आरोग्य
जो ऐप है वो डाउनलोड करना चाहिए सभी को। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि 30 लाख लोगों ने अब तक इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। चलिए सभी